आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। और मेरी है ये गवाही पिछले फ्राइडे को, क्योंकि मैं आई भी नहीं थी और पिकनिक था, तो वहाँ पे मैं ऐसी स्विमिंग कर रही थी पूल में, एकदम से मेरा एक पांव स्लिप हुआ और मैं पानी में थी। तो मुझे कुछ आ रहा है, मैं समझ रही हूँ कि मैं मर जाऊँगी ऐसे करके, पर मैं खुदा का इतना शुक्र करती हूँ, मुझे किसी का हाथ नज़र आया, मैं ज़ोर से खींचा, मैं पानी में आई हूँ, और खुदा हमें इतने मसलों से बचाता है, और खुदा ने मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है। आमीन। सबसे पहले मैं अपने ज़िंदा खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं, जिसने इतने बड़े हमले से मुझे बचाया और आज सही सलामत खुदा के फ़ज़ल से और आप लोगों की दुआओं से मैं खुदा के घर में आया कि खुदा के ज़ूर शुक्रगुज़ारी पेश करूं। मेरा जो वाक़या जलने का है, ये 22 मई को रूपजीर हुआ और धमाका हुआ और चूल्हा बिल्कुल मेरे मुंह के आगे था, आग मेरे मुंह के आगे थी। तो थोड़ी देर के लिए सोचें कि वो आग जो मेरे चेहरे पे थी उसने मेरे चेहरे को नहीं जलाया। हालेलुया। और उसके बाद जो है गैस तो बंद नहीं की, गैस तो खुली हुई थी, तो उसको तो गैस को तो जलते रहना चाहिए था, क्या ख्याल है आप लोगों का? तो गैस बंद कैसे होगी, गैस को किसने बंद किया? थोड़ा सोच रहे कि कितनी बड़ी बात है, धमाका हुआ फौरन गैस क्या हो गई, बंद हो गई। शैतान ने जितना काम तो अपना था कर लिया, बाकी खुदा का काम था, खुदा ने क्या किया, मुझे बचा लिया। तो खुदा का मैं शुक्र करता हूँ, जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी आंखों से देखा और उन्होंने मुझे बताया कि दादा आग जो है आपको क्रॉस करके निकल गई, आगे चली गई। और मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे नई ज़िंदगी दी है। कुछ भी हो सकता था, ज़रा सोचें गौर से, यानी बड़ा हादसा हो सकता था और गैस से बड़े बड़े हादसे होते हैं, और ये वाक्या तो बहुत ही ख़तरनाक था, लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने दवाओं के वसीला से बचाया, और खुदा का शुक्र करता हूँ और आप लोगों के बीच में सही सलामत लेकर आया, खुदावंद का शुक्र हो। अब जो मुझे ज़्यादा तकलीफ जलने की, ज़ख्मों की इतनी नहीं है, ज़्यादा जो मैं दवा की अपील करना चाहता हूँ वो है इनलार्ज प्रोस्टेट की, और उसका ट्रीटमेंट जो है ऐसे यूटी से मैं दो दफ़ा मेरी विज़िट हो चुकी है, इस जुमेरात को मैंने दोबारा जाना है, तीसरी विज़िट है, उसमें वो डिसाइड करेंगे सर्जरी के हवाले से या क्या करना है। तो इसको अपनी दुआओं में याद रखें। जो बहन भाई हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपनी दुआओं में इस खाकसार खादम को दवाओं में याद रखें, और आप भी याद रखें कि मैं मुकम्मल तौर पर अपने इस यूरिनरी प्रॉब्लम से मुकम्मल तौर पर शफा पा जाऊं और खुदा के नाम को जलाल मिले। आइए अपने सर को झुकाएं और शुक्रगुजारी की दुआ करें। अरे खुदामंद खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू मुझे अपने घर में सही सलामत लेकर आया, सारे बहन भाइयों के अंदर सही सलामत पहुँचाया, और आज की इबादत में तूने मुझे गवाही देने का फजल बख्शा और पैरों पर खड़े होने का फजल बख्शा। तेरा शुक्र हो, तेरी पाक ज़ात को सजदा हो, और पूरी जमात के साथ मिलकर इस बड़े हादसे से तूने अपने खादम को बचाया, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। और अय खुदावंद खुदा, इनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए दुआ करता हूँ, जिससे मुझे यूरिन बहुत तंग करता है, उससे मुझे शफा दे और कामल शफा दे। बहन लिजबत के लिए दुआ करता हूँ, तो उसे कामल शफा दे।
भाई मोहरत सादक के लिए दुआ करता हूँ तो उसे कामल शफा दें। आज के कलाम के लिए दुआ करता हूँ तो अपने खादम के साथ भाई अबेद के साथ हो, उसे आज कसरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, रूहों के लिए निजात के लिए इस्तेमाल कर। ये सब कुछ तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।